ईरान में मसूद पजश्कियान देश के नौवें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराया। ईरान में शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, इसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। पजश्कियान को 1.64 करोड़ वोट मिले, जबकि जलीली को 1.36 करोड़ वोट हासिल हुए। पजश्कियान कुरान के टीचर हैं, वो शिया समुदाय के लोगों को नहज अल बलागा पढ़ाते हैं। इसमें शियाओं के पहले इमाम में उपदेश है। पजश्कियान 1980 से 1988 तक चली ईरान इराक जंग में मेडिकल असिस्टेंट पहुंचाने का काम भी किया करते थे। 5 जुलाई को 16 घंटे तक चली वोटिंग में देश के करीब 50% यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा जनता ने वोट डाला। आधिकारिक समय के मुताबिक मतदान शाम 6 बजे खत्म होना था, हालांकि बाद में इसे रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया था। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी।